कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंगर रोल। तो चलें आज हम बनाएंगे जिंगर रोल। चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, पहले हम पूरियों का आटा गूंथ लेते हैं। तो ये मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। अब ये इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और ये 2 चम्मच में इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके और मैं नीम गर्म पानी से इसको गूंद लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, पानी आप ये ख्याल करिएगा कि नीम गर्म लीजिएगा। तो देखेंगे, मैंने पूरियों का आटा गूंद लिया है। अब हम दूसरी तरफ अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये मैंने चिकन ली है, ये देखें मैंने 1 पाव के करीब चिकन ली है। ये के अंदर में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और ये 1 चम्मच भर के चिली सॉस डालूंगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी। ये 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च लिए, आधे चम्मच इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और आधे चम्मच सफेद मिर्च। और ये नमक मैं हसबे जायका डालूंगी, अपने हिसाब के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको आप 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा 1/2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी और 1/2 चम्मच काली मिर्च डालूंगी और 1/2 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालूंगी। ये हम इसकी कोटिंग तैयार कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको रख दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है और इसके अंदर भी मैं नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूंगी। अब देखें, हमारे आटे को 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी पूरियां बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी छोटे छोटे साइज की, जिस तरीके से पूरियां बनाते हैं, या हम इस तरीके के पेड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें। ये देखिए, इस साइज़ के मैंने पूरियों के पेड़े बना लिए हैं। अब ये मैं पूरियां सब बेल के रख लूँगी, एक एक करके इस तरीके से मैं बेल लूँगी। अब ये दूसरी तरफ, ये हम, ये चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है, इसको भी 15-20 मिनट हो गए हैं। अब हम इस तरीके से इसकी ये कोटिंग करेंगे। पहले हम ये जो हमने अंडे का मिक्सचर बनाया था पहले उसमें डालेंगे, फिर ये मैदा और कॉर्नफ्लोर, इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये देखें, सबको हम इसी तरीके से करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा था। ये हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब ये कोटिंग की हुई चिकन मैं इसके अंदर एक एक करके डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाती जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है।
कितने अच्छे से हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब हम एक एक करके सबको निकाल लेंगे और इसी तरीके से मैंने सारी फ्राई कर ली। दूसरी तरफ अभी हम अपनी पूरियां तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने पूरियां अपनी एक एक करके हमने ये सारी पूरियां को फ्राई करना है। फ्रेंड मैंने इसकी एक सॉस भी बनाई है तो वो मैं शूट नहीं कर सकी। आपने आधा कप मायोनीज लेना है और आधा कप दही और उसके अंदर एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है और एक चम्मच चिली सॉस उसके अंदर डालना है और आधा चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने एक सॉस तैयार करी है जो हम ये रोल के अंदर डालेंगे। ये देखें आप इस तरीके से पूरियां हमारी तैयार हो गई हैं और चिकन भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी हम इस तरीके से ये चिकन इसके ऊपर रखते जाएंगे। अभी इसके ऊपर हम केचप डालेंगे। जो हमने सॉस बना के रखी थी जो मैंने आपको बताया है ये आप इसके ऊपर डाल दीजिए और आप इस तरीके से इसको रोल बना लें। और आप एक बटर पेपर ले लें और ये बटर पेपर में इसको इस तरीके से रोल कर लें। ये देखिए सारी पूरियों को हमने इसी तरीके से काटा है। तो देखिए फ्रेंड हमारे मज़ेदार से जिंगर रोल तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।